क्या सोचना कि क्या खोया क्या पाया, चिंतन तो आभार का आता है, अभिव्यक्ति तो अभिभूति की होती है। तो जो प्रथम उद्गार होगा अभिव्यक्ति होगी वह कृतज्ञता की होगी, सबकी ही संगठन के प्रति, दल के प्रति, जन के प्रति, गण के प्रति, विचारधारा और आदर्शों के प्रति, वरिष्ठ जनों, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, सबके प्रति। ये शब्द है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के। ये शब्द महज शब्द नहीं कहे जा सकते, 3 साल पूरा करने पर सतीश पुनिया के मन से ये बातें निकली हैं। सतीश पुनिया का ये पैगाम है जो उन्होंने बड़े ही भावुक अंदाज में अपने चाहने वालों के नाम दिया है। दरअसल सतीश पुनिया 3 साल के बतौर प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकाल पूरा होने पर अपने कार्यकर्ताओं को एक खत लिखा है। 4 पन्नों के अपने खत में सतीश पुनिया ने कार्यकाल के दौरान आए तमाम उतार चढ़ाव से लेकर उपलब्धियों का बखूबी बखान किया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस खत में पुनिया ने पिछले चुनावों में मिली हार को भी स्वीकार किया है। मतलब हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव, नगर निकाय और पंचायत समिति चुनाव, पुनिया ने कहा कि मैं मानता हूं कि उपचुनाव में हमारी कुछ रणनीतिक कमजोरी रही और कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया, लेकिन इसकी भरपाई जिला परिषद में बहुमत हासिल करके हमने पूरी कर ली और पहली बार किसी विपक्षी पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी या बढ़त मिली है। कामयाबी और नाकामी जिंदगी और दुनिया के सच हैं। सतीश पुनिया ने इन 4 पन्नों के लेटर में कई ऐसी भावुक बातें लिखी है जिसकी सियासी चर्चा हो रही है। उन्होंने इशारों ही इशारों में पार्टी हाईकमान को साफ संदेश दे दिया कि वो राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व करने को तैयार हैं और 2023 में विधानसभा चुनाव में भी वो इसी एनर्जी के साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे। साथ ही सतीश पुनिया ने अपने खत के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मर्यादा का संदेश भी दिया है, ऐसे नारे ना लगाएं जिससे विरोधियों को कोई भी मौका मिल जाए। सतीश पुनिया ने अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद आगे भी एक्सटेंशन के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने लिखा कि यूं तो राजनीति की लंबी यात्रा में टारगेट का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं इन 3 साल के अनुभव पर कह सकता हूं कि जो अपेक्षा संगठन ने मुझसे की है उससे मैंने मन, वचन और कर्म से करने की कोशिश की है। ये मिशन 2023 और 2024 के बाद भी जारी रहेगा और हम काम करते रहेंगे। भविष्य में बीजेपी ऐसी पार्टी बने कि इससे जीता ना जा सके और ना ही इसमें कोई सेंध लगा सके। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।